बात करी जाए खिलाड़ी को खोज जरूर चुके थे, दिक्कतें बन सकती है, बट TSM वर्सेस सोल, दिस इज गोना बी अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट फाइट, द बैटल विल बी लेजेंडरी, लेकिन किस तरीके से, क्योंकि TSM के खिलाड़ी बैक एंगल्स भी देखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अक्षत आप देखिए अब उनका पूरा ध्यान एक्सो वाले स्मोक पर पड़ चुका है, स्मोक के बीच में रैंडम शॉट्स ही प्लेयर्स देते हैं हमेशा ताकि इनको पता चल सके कि कोई और है, तो क्रॉस एयर दिखाता है और उसके बाद लोग फाइट लेने की कोशिश करते हैं। आठ टीमें जब भी आप स्मोक में भी आप अगर गोलियां चलाते हिट करते हैं तो वो आपके क्रॉसर में लगा जाते हैं, गॉब्लिन ने वहीं पे एक्सेप्ट कर दिया कंप्लीट प्लेस, काफी ज्यादा ओपन में थे गॉब्लिन, मौका है गॉब्लिन पांच मार चुका है वे, प्लेयर इतना ओपन में जाएगा मौका ही नहीं बनता यहां पर, TSM को दो बड़े झटके पड़ चुके हैं, बाकी दो प्लेयर्स आ रहा है गाइस, इस कहानी को देखना पड़ेगा। टीम सोल डे वन वॉज नॉट गुड फॉर देम, बिकॉज गेम जो सेनॉक का गेम था अच्छा खेला, बट दूसरा गेम थोड़ा सा ऑफ लग रहे थे, बट आज के दिन की शुरुआत टीम सोल बिल्कुल परम चरम पर रही है। यहाँ पर FS के हिटमैन यहाँ पर ग्रेनेड से नॉक होते हुए देखेंगे, 22 मिनट गेम के अंदर हो चुके हैं, एंड यस दिस इज द फाइनल फेज, दिस इज द फाइनल टाइम, अब जो हमारा चिकन डिनर टीम है, जो हमारी सुबह टीम है, पता चल जाएगा उतनी देर में। जोकर ने अच्छा स्प्रे कनेक्ट किया, क्लच को यहाँ पे कर दिया नॉक, FS सॉरी ब्रो, टॉप डॉग नहीं रोक रहे, आई थिंक ही जस्ट वांट टू बी द MVP, मामा की तरफ से टीम नहीं घुमा सकता है। 8 बिट के अल्ट्रॉन अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, अल्ट्रॉन क्या सर्वाइव किया है, एक अच्छा होमवर्क करके ये सोल पे पोजीशन बहुत गंदा है, वे जगह बहुत गंदा है, इसकी रोटेशंस पर खेलना, आज ये टीम पोजीशन पर अच्छा खेल सकती है लेकिन इनको जीवित रहना पड़ेगा। सोल के प्लेयर्स उनको लग रहा है कोई ना कोई प्लेयर सामने हो सकता है और उसी के लिए लोग बहुत शॉट्स उनके राइट रिच पे कोई होगा तो एक खिलाड़ी को दो नॉक दे दिया उसने, उसी का थोड़ा सा नुकसान हो सकता है लेकिन निंजा जो राइट रिच पूरा ओपन था डाउन करते नजर आएंगे इनसेन के जाजी एक्सो के प्लेयर्स वहीं से पड़ी होगी उसको, यहां पर नेड परेड होते हुए, अच्छी बात यह है कि सोल के जितने भी प्लेयर नॉक है ना वो सब अरे दो को जाएगा, बट अल्ट्रॉन जो अकेले बचे हैं वो ग्लोबल को प्रॉब्लम दे चुके हैं, बैक टू बैक नॉक निकाले जा रहे हैं, मान्या नकुल एवरीवन अभी तक चारों प्लेयर जिंदा थे, तीन थे नॉक, अगर यहां पर जोकर थोड़ा पीछे चल रहे हैं यहां पर एक प्लेयर दुनिया बदल सकता है, ये फाइनेस्ट एग्जांपल है TSM के निंजा जॉट सर्कल में, एक मैं बोल सकता हूं रिज एडवांटेज लेके बैठे हैं, उनको बहुत सारा विजन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, सोल के प्लेयर को रिवाइव मिल चुका है, हील अप कर चुके हैं, इनसेन का प्लेयर एक डिप पे बैठा हुआ है, अब निंजा जॉर्ज इज ट्राइंग, ही विल बी गोइंग फॉर दैट, बट नो हेक्टर लिटरली जस्ट हेल्प्ड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, अगर उन्होंने निंजा गॉड को माफ कर दिया होता ना यहाँ पर, तो निंजा गॉड बहुत बड़ा FS के साथ बहुत बुरा वहाँ पे बिचारे फोर मैन से एकदम से मामन जो यहाँ पर दिक्कत दी थी उसने, हालांकि धावा बोला है सोल के खिलाड़ी के ऊपर, हेक्टर उनके बिल्कुल सामने बिल्कुल करीब यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अरे एक नंबर डाउन करने की कोशिश लेकिन बैकेट पर आएंगे रीलोड करेंगे एक और डाउन करने की, अरे एक नंबर बे हेक्टर गॉड बे एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड विद द फिनिशेस, बट वो फिनिश सिक्योर करना थोड़ा मे बी कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल सिचुएशन है, क्योंकि उनके सामने और भी खिलाड़ी नजर आने वाले ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, एक नेड मार दे वे, नेड इसके नहीं है पर कोशिश कर रहे हैं, बट आप देख रहे हैं नौ फर्स्ट एड भी लेकर बैठे हैं, प्लान ए प्लान बी दोनों साथ साथ, एक किल चोरी हो गया बे, नकुल को कंप्लीट कर दिया, मेहनत वाली हेक्टर की हो यहाँ पर हो गई है, नहीं नहीं हेक्टर देख के भाई ओ पी भाई क्रेजी कि हेक्टर पीछे से, हेक्टर 1v4 है क्या, पर उन्होंने जो भी प्लेयर दिख रहा है उस पे सवार हो लो पीछे से ले गए, एक नंबर तो देखेंगे ग्लोबल ईस्पोर्ट के टिक एलिमिनेट जी गई मांबा, दिक्कत की बात ये है कि आगे पीछे दोनों तरफ से उनको गोलियां खानी पड़ी, बट उसी बीच में जैसे जैसे गेम जा रहे प्लेयर ढूंढ रहे चिकन डिनर, खाली जुबान तो है बे, QR कोड को स्कैन करो एंड गेट योरसेल्फ अ फ्री स्विगी डिनर, फटाफट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा इंटेंस मैच के टाइम में भूख तो आपको जरूर लग रही होगी, वो आरएनटी के दो है इनसेन के दो है, जैसे ने यहां पे रेवेनेंट के जो प्लेयर बचे हुए थे यहां पर टॉप डॉग और पैराडॉक्स दोनों को भाई ये पैन क्या फेंका है, फिनिशेस कंफर्म करें, रेवेनेंट गेटिंग एलिमिनेटेड एट फिफ्थ पोजीशन 11 फिनिशेस, अ ब्यूटीफुल गेम कमिंग आउट फ्रॉम रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स, देखो अब मेरे पास एक नंबर अक्षत, आप देखिए अक्षत अपना पहला फिनिश उठाते नजर आएंगे, अपना पहला फिनिश सिक्योर करते नजर आएंगे, इनसेन के खिलाड़ियों को बाहर को सपोर्ट दे दिया गाइस, अब 1v4 हो गया था एक्टर का भी ऑलमोस्ट, एक्सो एफएस एफएस के बंदे ने लाज बंदा मार दिया, तीन तो दे ही दिया, तो कैसे खेलते हैं खिलाड़ी, किलिक चोरी हो गया उसमें, देखिए पर तारीफ है बेहतरीन है सर्वश्रेष्ठ है, और इसी सब के बीच में एक्सप्लिसिट शायद यहां पर गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे हेक्टर, थोड़े बहुत शॉट्स लेने की कोशिश कर जरूर रहे थे लेकिन उनको पता चलना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि उनके सामने जो प्रतिद्वंदी अभी जोन भी है तैयार रहने वाले हैं, वो है एक्सो खिलाड़ी इमॉर्टल बैक एंगल पर पंक मामबा बिल्कुल सामने, सोल के खिलाड़ी कॉब्लिन यार सॉरी फ्रॉम मामबा, हां वे बीच में वो बंदा ना रीलोड किया, एक्सो पे जोन है क्या, एक्सो पे शायद जोन नहीं है, हो सकता है यहाँ पर अभी अभी ओमेगा एंड एवरीवन दे सिक्योर्ड फ्री गैंग, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ग्लोबल को हैंडओवर किया लूट कर रखा होगा, बट जो आपकी कैलकुलेशन है अगर ये सही होगा then ocean op always but yes this fight can be the fight of their lives, yahan par
जो सिचुएशन है दैट इज जोन में नहीं एक्टर 1 एफएस का एक पेयर बचा है यहां पर एक्सो ने अपने आप को थोड़ा स्प्लिट अप कर रखा इमॉर्टल पंक अगर एक्सो का एक भी 17 मीटर क्यों है जोन अच्छा ओमेगा लोग पे है ना जोन हेक्टर पॉसिबल फॉर श्योर बट हेक्टर हील बैटल करके एंड में बीटी देगा जोन पे देखिए सोल के प्लेयर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बट ओपन के अंदर आना है दिस इज अ टाइम टू ब्रिंग आउट जितनी भी जेबों में स्मोक्स हैं जितनी भी गाड़ियां छुपा रखी हैं उनको लगाना पड़ेगा मुझे लगा उधर ही बैठा है वाला अगर विदाउट फिर या तो फिर उधर सरप्राइज एलिमेंट वाला मौका नहीं छोड़ने वाला ओ भाई ये तो बगी लेके घुस गया सीधा नहीं एफएस वाला मार देगा बे नहीं बे यार यही फायदा उठाया हेक्टर को नॉक कर दिया दोनों पे जोन नहीं है दोनों का ओपन आना है Let's go. कंटेनर लेकर के जाते हो अपने दिन की जी जी लेकिन पहले खोया मामा भी सीढ़ी के हाथ में आ गए।